बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारी पूरी कोशिश होती है कि कृषि जगत से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप उससे कृषि के क्षेत्र में बेहतर और अच्छा कार्य कर सकें। तो आइए जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक समेकित मत्स्य पालन योजना के तहत कर सकते हैं मछली सह बत्तख पालन। राज्य के किसान अनुदान पर ले सकते हैं सिंचाई पंप सेट। मसूर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद PL 406। अब समाचार विस्तार से। राज्य के मछली पालक समेकित मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत मछली सह बत्तख पालन कर सकते हैं। इसकी योजना लागत 1,53,350 रुपये है। इसमें ST/SC और महिला वर्ग के लाभुक को 80%, जबकि अन्य वर्ग के लाभुक को 70% अनुदान दिया जाएगा। मछली पालक इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आत्मा की ओर से राज्य के कई जिलों के किसानों को अनुदान पर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप सेट देने की योजना है। इसमें 2 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर का सतही सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट दिया जाएगा। इस पर 90% अनुदान देने का प्रावधान है। इससे लाभ लेने के लिए आत्मा कार्यालय से संपर्क करें। किसान भाइयों, सब्जी फसल फ्रेंच बीन में शुरुआती अव्यवस्था में ही स्टेम फ्लाई नामक कीट लगने का खतरा रहता है। इससे फसल की भारी क्षति होती है। इससे बचाव के लिए बुआई से पहले इमिडा क्लोप्रिड या 70WSK नामक दवा से बीजोपचार करें। देखिए, फ्रेंच बीन में जो हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है वो स्टेम फ्लाई है, जो कि फ्रेंच बीन के तनों को छेद कर देता है। किसान भाई अगर तना को फाड़ के देखेंगे तो उसमें उसके इल्ली दिखाई देंगे, और इससे क्या होता है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, ऊपर की पत्तियां सूखने लगती है, और इस कीट का प्रकोप शुरू की अवस्था में होता है। तो शुरू की अवस्था में अगर किसान भाई बीज से उपचार कर लें, खास करके फ्रेंच बीन को, 1 किलो बीज को आपका इमिडा क्लोरफिड नाम की जो आती है 70WS की दवा जो आती है, उससे आप करीब 5 ग्राम को 1 किलो मिर्च में उपचार कर लें। अगर किसान भाई के पास वो नहीं है तो थायोमैक्स का काम है, वो भी 70WS की दवा आती है, उसको 8 से 9 ग्राम प्रति KG के बीज के हिसाब से लपेट के लगाएं, तो उससे काफ़ी नियंत्रण हो जाता है। और किसान भाई के खेत में अगर ज़्यादा प्रकोप होता है तो कार्बाफुरान नाम की दवा आती है, तो बुआई के समय में उसका भी प्रयोग करें। इससे होता है कि फ्रेंच बीन से बचाव हो जाता है, चूँकि शुरू में पौधे मर जाएंगे तो उपज बहुत ही घट जाती है। राज्य के जो किसान रबी दलहनी फसल मसूर की खेती करना चाहते हैं, वे वर्तमान तिथि से लेकर 15 नवंबर तक बुआई कर लें। झारखंड में मसूर से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद PL 406, PL 639 या KLS 218 लगाएं। मसूर की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 25 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद PL 406, PL 639 और KLS 218 की उत्पादन क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और ये 125 से 130 दिन में तैयार हो जाते हैं। राज्य के किसान ऊपरी जमीन में सब्जी, दलहन या किसी और फसल की खेती में निकौनी का काम करने के लिए कृषि उपकरण व्हील हो की मदद ले सकते हैं। व्हील हो की कार्यक्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे प्याज फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें।
प्याज फसल में कीट ना लगे इसके लिए किसान एक आसान उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए प्याज फसल लगाने से 30 दिन पहले 250 वर्ग मीटर भूखंड की दर से खेत के चारों ओर मक्का फसल दो कतारों में लगा दें। इसके बाद मक्का फसल के घेरे के अंदर प्याज लगाएं। और अब एक नजर राज्य के पांच प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के पांच प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जाना मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज के बारे में। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विराम के बाद भी है आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ। हमारे मेहनती किसान के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। किसानों के लिए पीएम किसान से जुड़ना बेहद सरल है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए किसान भाई बहन राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी या नोडल करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। ऐसे तो हमारे किसान भाई मशरूम के उत्पादन करके बेहतर आमदनी कर रहे हैं, पर इस आमदनी को दुगनी कैसे की जाए? जी हाँ, अगर हमारे किसान भाई बटन व ढिंगरी मशरूम का मूल्य संवर्धन करते हैं तो इससे उनकी आमदनी दुगनी हो सकती है। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको अपने विशेषज्ञ के पास और दिलाते हैं इस विषय में विस्तृत जानकारी। अपने देश में मशरूम काफी लोकप्रिय सब्जी फसल है। ये कम समय में किसानों की आय बढ़ा देता है। ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, इसलिए ये शाकाहारी लोगों की प्रिय सब्जी है। इसकी वजह से इसकी मांग भी बाजार में बहुत अधिक है। मशरूम चूंकि पोषणात्मक दृष्टि से काफी लाभदायक है तथा इसकी कीमत बाजार में अधिक है, इसलिए ये एक फायदेमंद व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। किसान भाइयों, खेती किसानी आपके रग रग में बसी हुई है और खेती किसानी से आप सभी जुड़े हुए हैं। ऐसे में बाजार में अभी एक नया उत्पाद है जिसको हम लोग मशरूम के नाम से जानते हैं। मशरूम की उत्पादन आप कैसे करेंगे, कैसे इसका मूल्य संवर्धन करेंगे, इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यान और हमारे साथ है विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर विशाखा सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि मशरूम का उत्पादन हम कैसे करेंगे और इसका मूल्य संवर्धन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। मशरूम उत्पादन भारत देश में बहुत सहायक है यहाँ के इकोनॉमी के ग्रोथ में, क्योंकि ये बहुत कम समय में यहाँ के किसान भाई बहनों को आय देना शुरू कर देता है। और मशरूम यहाँ, जैसा कि भारत में हमें पता है कि हमारे देश में शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं और उनके प्रोटीन की पूर्ति के लिए सब्जी या अन्य खाद्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं, उसमें मशरूम एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। मशरूम में 2.5 से 3.5% तक प्रोटीन होता है और वो आवश्यक अमीनो एसिड से भरपूर होता है, जैसे कि ट्रिप्टोफेन, नायसिन, ये सब उसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो कि शरीर के ग्रोथ के लिए, बॉडी के कहीं पे चोट फोट टूट फूट मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। तो क्योंकि कुपोषण भी यहाँ पे बहुत अधिक है, तो ऐसे में अगर मशरूम का सेवन करते हैं, मशरूम का उत्पादन करते हैं, उसको अलग अलग रूपों में सेवन करते हैं, तो ये हमारे पोषण के दृष्टि से भी और हमारे आय की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मशरूम के अच्छे उत्पादन के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो इसकी खेती से पहले इसके उत्पादन की पूरी जानकारी हो, फिर इसकी खेती के लिए बीज प्रमाणित जगह से खरीदे गए हों, इसके अलावा इसके कंपोस्ट कीड़े रहित हों और इसके उत्पादन के लिए छायादार जगह उपलब्ध हो। इतना ही नहीं, इसके बाजार की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।
यदि इसका सही बाजारीकरण नहीं हो रहा है तो इसका मूल्य संवर्धन कर बाजार में बेचना बेहतर होता है। मशरूम उत्पादन के लिए अगर किसान भाई बहन सोच रहे हैं तो उनको कुछ निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। उनको पहले कि उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि उनको कहाँ से वो स्पॉन ले रहे हैं, जो इसको कवक के रूप में जो बीज है वो कहाँ से ले रहे हैं। प्रमाणित स्थान से लें, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, कृषि विश्वविद्यालय हो गया, या कोई अन्य प्रमाणित ऐसे जगह से लें जहाँ से कि उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, और जो कंपोस्ट खाद यूज़ कर रहे हैं वो कीड़े रहित हो, स्टेरिलाइज हो, और जो जगह की सुनिश्चितता कर लें कि वो जगह छायादार हो घर के आसपास में, क्योंकि इसमें बहुत कम जगह की ज़रूरत है। इसको अन्य सब्जियों की तरह बहुत अधिक जगह की ज़रूरत नहीं है, तो कम जगह की ज़रूरत हो तो अच्छी जगह हो, छायादार जगह हो, जिसको कि बांस और घास फूस के मरम्मत से भी तैयार किया जा, घास फूस के मिलाकर भी तैयार किया जा सकता है, और उसमें अंदर में मचान बनाकर क्यारियां बनाकर भी इसको लगाते हैं। तो चौथी चीज़ मतलब जगह हो गया आपका, जो कवक है, जो सीड है, उसका सुनिश्चित कर लें कि कौन सी जगह से ले रहे हैं, और उसकी क्वालिटी कंपोस्ट की अच्छी हो, और उसके बाद उसका बाजारीकरण सुनिश्चित कर लें कि बाज़ार में जब जा रहा है तो कौन से कैसे मार्केटिंग इसका करें और किस रूप में इसको सेल करें। अगर उनका सही बाजारीकरण नहीं हो रहा है तो उसका मूल्य संवर्धन करके भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से बाजारीकरण भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। मशरूम पोषण की दृष्टि से तो लाभदायक है ही, साथ ही साथ चूंकि ये अधिक कीमत में बिकती है इसलिए ये व्यवसाय की दृष्टि से भी लाभदायक है। अतः मशरूम की खेती से किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। मशरूम अच्छा विकल्प हो सकता है। पहली बात, इसका दो पॉइंट है। पहला कि इसमें कम जगह, कम लागत की आवश्यकता होती है, कम समय की आवश्यकता होती है, घर के आसपास में इसकी खेती की जा सकती है, और इसके ऑपोजिट में ये फ़ायदा देता है, ये जल्दी इनकम देता है, जल्दी हमको अधिक पोषण देता है, अधिक इनकम देता है। तो पोषण अगर देखें तो इसमें, अगर इसमें इतना प्रोटीन इतना अधिक है कि इसको जब बच्चों का ग्रोथ को प्रमोट करना हो, जब ग्रोथ नहीं हो रही हो छोटे बच्चों की, तब के लिए अच्छा है, जो कि किसान परिवार में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे कुपोषित होते हैं, तो बच्चों के ग्रोथ को प्रमोट करता है। प्लस ये अगर मधुमेह का या हृदय रोगी अगर कोई पेशेंट है उनके लिए भी अच्छा है, तो पोषण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। प्लस ये इनकम भी अच्छा दे रहा है, और कम लागत और कम जगह की आवश्यकता है, कम समय की आवश्यकता पड़ रही है। इस प्रकार से मशरूम की खेती किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है। मशरूम बाजार में बिकने वाली एक महंगी सब्जी है। यदि किसी कारणवश इसकी समय पर बिक्री नहीं होती है तो इसका मूल्य संवर्धन कर इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और उससे अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। क्या सब्जियों में लगने वाले सारे कीट उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं? जी नहीं, कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो हमारी सब्जी फसल के लिए अच्छे और फायदेमंद होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से कीट हैं जो हमारे सब्जी फसल के लिए फायदेमंद है, और उनसे हमारी सब्जियों को कैसे फायदा पहुंच सकता है। अपने झारखंड प्रदेश में बहुत से किसान सब्जी की खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ सब्जी की फसलों में कई तरह के कीट लगते हैं। पहला शत्रु कीट, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तथा दूसरा मित्र कीट, जिससे हमारी फसलों को फायदा पहुंचता है। मित्र कीट जहां हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण करते हैं, वहीं ये परागीकरण कर फसलों की बढ़वार में मदद भी करते हैं। इसके अलावा ये गिरे हुए पत्तों तथा मरे हुए पशुओं से फसलों के लिए पोषक तत्व भी तैयार करते हैं। मित्र कीट दो प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी, जो अपना जीवन काल नाशी जीवी कीट में व्यतीत करते हैं और वहीं भोजन करते हैं। फिर जब उनका जीवन चक्र पूरा होता है तब वे नाशी जीवी कीट को मार देते हैं। दूसरा मित्र कीट परभक्षी कहलाता है, जो नाशी जीवी कीट को पकड़कर खा लेते हैं और अपना जीवन वहां व्यतीत नहीं करते। आज हमारे साथ मौजूद हैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक एवं शोध संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल वाल्मीकि धोते जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि सब्जी फसल के मित्र कीट की पहचान कैसे की जाती है और साथ ही साथ उनका प्रबंधन कैसे करते हैं।
तो आइए आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आज के वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल जी का। हमारे फसल में जो भी कीट लगते हैं उनको हम दो भाग में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक होता है कि जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और एक होता है जो हमारे फसल को फ़ायदा देते हैं। नुकसान पहुंचाने वाले फसल को हम कीट नाशजीवी कीट बोलते हैं और जो हमारे फसल को फ़ायदा देते हैं उसको हम मित्र कीट बोलते हैं। अब मित्र कीट में अगर देखेंगे तो उनके क्या क्या फ़ायदे हमें, तो सबसे पहले मित्र कीट हमारे इसमें जितने भी नाशजीवी कीट लगते हैं इनका नियंत्रण या प्रबंधन करने में हमको सहायता करते हैं, इसको हम आगे और अच्छी तरह देखेंगे। दूसरा, इनका जो फ़ायदा होता है ये हमारे फसल में परागीकरण करते हैं, पोलन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंचाते हैं जिससे फल धारणा अच्छी होती है, फूल धारणा अच्छी होती है। तीसरा ये है कि ये हमारे मतलब हमारा जो परिस्थिति है इसका संतुलन बनाए रखने में बहुत अपना योगदान देते हैं। और चौथा है, जो भी पशु मरे हुए पशु है या पौधों के नीचे गिरे हुए पत्ता है या ये है, इनको ज़मीन में गाड़ देते हैं और जिनका न्यूट्रिएंट में ये बदल देते हैं। तो मित्र कीट जब भी हम बात करते हैं तो हमें मतलब हमारे फसल में लगने वाले नाशजीवी कीट का जो प्रबंधन करते हैं उन्हीं का मतलब वही हमको दिखते हैं। जिनको इनको अगर देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परजीवी और एक होता है परभक्षी। शुरुआत में थोड़ा सा समझ लेंगे कि परजीवी कीट मतलब क्या और परभक्षी कीट मतलब क्या। तो परजीवी कीट वो होते हैं जो नाशजीवी कीट के ऊपर अपना जीवन भी वहीं पर व्यतीत करते हैं और वहीं पर खाना भी खाते हैं, और जब इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है तब ये नाशजीवी कीट को मार देते हैं, जिसके कारण हमारा नाशजीवी कीट का प्रबंधन होता है। और परभक्षी कीट ऐसे होते हैं जो कि हमारे नाशजीवी कीट को पकड़ते हैं, पकड़ के खा लेते हैं, अपना जीवन वहाँ पे व्यतीत नहीं करते। अगर उदाहरण के लिए देखेंगे तो परभक्षी कीट में आता है ट्राइकोग्रामा, ब्रैकॉन, डायरिट्रियल्ला, कोटेशिया। और परभक्षी कीट में अगर हम देखेंगे तो लेडीबर्ड बीटल है, मैंटीड है, एंड देन सिरफीड फ्लाई है और ग्रीन लेस विंग है। किसान भाइयों, मित्र कीट चूंकि हमारी फसलों को नाशजीवी कीट से रक्षा करते हैं इसलिए इनकी संख्या जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए मुख्य सब्जी फसलों के साथ फूल वाले पौधे लगाना बेहतर होता है। ये हमारे इस फसल में अक्सर आते हैं, नाशजीवी कीट के साथ ये अक्सर आते हैं। अब हमारा सबसे किसान भाइयों का सबसे बड़ा काम होता है कि इनका जो संख्या है इसको हम बढ़ाएं। तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इनके जो वयस्क होते हैं ये वयस्क फूल में जो भी रस होता है उसको खाते हैं। तो इसीलिए जब भी हम फसल लगाएंगे तो हमारे फसल के साथ साथ हम कुछ तो फल वाले फूल वाले पौधे भी लगाए, जिसके कारण एक उनके लिए वयस्क के लिए खाना बनाए रहे और वो फूल को देख के हमारे फसल के तरफ आकर्षित हो, और जैसे ही वो हमारे फसल में आ जाएंगे तो जो भी नाशजीवी कीट है उनको वो ढूंढ लेंगे और उनके ऊपर उनको उनका वो प्रबंधन करेंगे। दूसरा बात ये है कि जब भी हमारे फसल में ये मित्र कीट आते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रासायनिक केमिकल्स का प्रयोग ना करें, जिसके कारण क्या होता है कि इनके ऊपर इनकी संख्या कम होती है। अगर आप रासायनिक दवाइयों का दवाइयाँ यूज़ करेंगे तो एक 10 या 15 दिन के अंतराल में करें। अगर आप नाशजीवी मित्र कीट को अगर आप छोड़ रहे हैं तो, और कभी कभी हमको अगर हमारे फसल में कोई फूल वगैरह नहीं है तो हमें चीनी का घोल भी जो घोल का छिड़काव भी करना पड़ता है, क्योंकि इनके वयस्क को मीठा पदार्थ खाने में अच्छा लगता है। तो ये सब हम करें ताकि हमारे फसल में मित्र कीट की संख्या बनी रहे या बढ़े। किसान भाइयों, मित्र कीट को पहचानना बहुत ही आवश्यक होता है। अपने झारखंड प्रदेश में परभक्षी में लेडी बग बीटल पाए जाते हैं जो बैगन में लगने वाले नाशजीवी कीट की तरह होते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि लेडी बग बीटल का रंग गहरा होता है जबकि नाशजीवी का हल्का। इसी तरह से ग्रीन लेस विंग में हरे रंग का पंख होता है और वे रस चूसक कीटों का प्रबंधन करते हैं। सिल्फिट फ्लाई भी रस चूसक कीटों तथा कैटरपिलर को खाता है। तो सबसे पहले मैं एक परभक्षी कीट जो कि यहाँ हमारे फसल में अक्सर दिखाई देता है जिसका नाम है लेडीबर्ड बीटल। तो ये लेडीबर्ड बीटल एक बीटल है, भ्रूंग जिसको हिंदी में बोला जाता है। ये बहुत कलरफुल होता है और ये अक्सर हमारे फसल में दौड़ते रहता है। ये एफिड, जासीड या अन्य कीट को भी खाता है। और बैंगन एक ऐसा फसल है जिसमें इसी की तरह दिखने वाला
नाशजीवी कीट भी है जिसको हम पेस्ट भी बोलते हैं। तो दोनों में अंतर समझे कि जो हमारा परभक्षी कीट है इसका कलर बहुत डार्क होता है और जो नाशजीवी कीट है इसका कलर बहुत लाइट होता है, थोड़ा सा डल कलर होता है। इसी के साथ साथ ग्रीन लेस विंग एक परभक्षी कीट है, इसका कलर ग्रीन कलर का इसका पंख होता है, हरे कलर का पंख होता है जिसमें मतलब एक नेट जालीदार इसका पंख होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ग्रीन लेस विंग, हरे कलर का पंख होता है इसका। ये भी जितने भी हमारे रस चूसने वाले कीट है इनको खाता है तो इनके प्रबंधन में मदद करता है। उसके बाद है सिरफिड फ्लाई, सिरफिड फ्लाई भी जो भी रस चूसने वाले कीट होते हैं या फिर जो कैटरपिलर्स होते हैं इनको खाती है, इनके शरीर से रस चूसती है। तो ये हो गए परभक्षी कीट। किसान भाइयों, परजीवी कीट शत्रु कीट के अंडे में लार्वा देकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। जब उनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है तब वे उन्हें मार देते हैं। परजीवी कीट के कुछ उदाहरण हैं ट्राइकोग्रामा, ब्रैकॉन तथा कोटेसिया आदि। ट्राइकोग्रामा टमाटर में लगने वाले फल छेदक कीट के नियंत्रण में सहायक होता है। इन कीटों को फसलों में बढ़ाने के लिए कार्ड भी आते हैं जिन्हें फसलों में लगाया जा सकता है। परजीवी कीट जो होते हैं ये दूसरे कीट के अंडे में या इनके लार्वा में अंडा देते हैं और वहीं पे ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं और व्यतीत करने के बाद वहीं उनको जब उनका जीवन चक्र ख़त्म हो जाता है तो उनको मार देते हैं। तो परभक्षी कीट में ट्राइकोग्रामा, ब्रैकॉन, कोटेसिया और डायरिट्रियला रैपी ये बहुत ही बहुत बार हमको फसल में दिखते हैं। तो अभी अगर हम फसल की बात करेंगे तो बैंगन में जो हमारा फल और तना छेदक लगता है, टोमेटो में फल छेदक लगता है, फिर गोभी में जो डायमंड बैक माउथ लगता है, इन सब के लिए ट्राइकोग्रामा एक बहुत उपयुक्त मित्र कीट है। अगर हमारे फसल में नहीं है तो हम इनको जैसे हम रासायनिक दवा का छिड़काव करते हैं उसी तरह हम इनको फसल में छोड़ भी सकते हैं। ट्राइकोग्रामा का ट्राइको कार्ड करके मार्केट में अवेलेबल है या नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड्स बैंगलोर की संस्थान है जहाँ से हम ट्राइकोग्रामा का कार्ड ट्राइको कार्ड हम परचेस कर सकते हैं और इसको फसल में लगा सकते हैं। फसल में लगाने के समय इसको छोटे छोटे पार्ट में काटा जाता है और पत्ते के नीचे साइड में लगाया जाता है ताकि पत्ते मतलब धूप से या बारिश से ये बचे। तो ज़रूर किसान भाई इसको लगाए, बहुत ही कम दाम में मार्केट में उपलब्ध है। उसी तरह ब्रैकॉन एक परजीवी कीट है जो कि कैटरपिलर या लार्वा के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है। ये भी बेंगलोर के संस्थान में अवेलेबल है, इसको भी आप वहां से खरीद के अपने फसल में छोड़ सकते हैं। मित्र कीट हमारी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं जो नाशीजीवी कीट का नियंत्रण करते हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर हम अपनी फसलों को शत्रु कीटों से बचा सकते हैं और उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची पिन संख्या 834001। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार नमस्कार।